हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवाजी देवनाथ, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, प्रोफेशनल ट्रेनर एंड सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं फुल स्टैक डेवलपमेंट कैसे करते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या है और फुल स्टैक डेवलपमेंट में काम करने के लिए क्या क्या चीज़ की जानने की ज़रूरत पड़ेगा, ये चीज़ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो देखते हैं इस पूरा वीडियो को और इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग मिल सकता है इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद। फुल स्टैक डेवलपमेंट करने के लिए पहला जो चीज़ जानने की ज़रूरत पड़ता है वो है HTML, CSS, JavaScript। ये तीन चीज़ जो है ये एक्चुअली आपके वेबसाइट डिज़ाइन का जो पार्ट है, यही चीज़ फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत पड़ता है। और ये फुल स्टैक डेवलपमेंट में जब भी आप डेवलपमेंट शुरू करते, बेसिकली ये डेवलपमेंट क्या है, जो कि आपका जो एंटरप्राइज लेवल का जो एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, आपके बिजनेस के लिए जो एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं, उस एप्लीकेशंस को थ्रू डिजाइनिंग पार्ट से सर्वर साइड पार्ट तक ले जाने के लिए जो जो काम इसमें इन्वॉल्व रहता है, वो सारी चीज़ जो डेवलपर जानते हैं उसी को फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं। तो फुल स्टैक डेवलपर का एक्चुअल क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए पहले होता है कि आपको वेब डिजाइनिंग का नॉलेज होना चाहिए। वेब डिजाइनिंग नॉलेज के लिए आपको थोड़ा डिजाइनिंग का नॉलेज होना चाहिए, जो कि ग्राफिक्स डिजाइन का नॉलेज। उसके बाद उसको टेम्पलेट में, मतलब कोडिंग में लाने के लिए HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, इसके ऊपर नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद इसको टेम्पलेट इंजिन या JavaScript फ्रेमवर्क में इसको डालना पड़ेगा ये डिज़ाइन को। और इस डिज़ाइन के लिए ये जो JavaScript वाला जो पार्ट होता है, इसको आज के डेट में ज़्यादातर जो JavaScript फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा है वो है एंगुलर। और एंगुलर है, रिएक्ट है, व्यू है, बहुत सारा ऐसे JavaScript फ्रेमवर्क है जिसको यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपेज एप्लीकेशन बनाते थ्रू वेब, मोबाइल, डेस्कटॉप के लिए। तो ये डेस्कटॉप, मोबाइल, वेब जो एप्लीकेशंस हम लोग देखते हैं, इस एप्लीकेशंस का एक सर्वर साइड पार्ट रहता है। सर्वर साइड पार्ट बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे डेटाबेस, मतलब जहाँ पे ये जो सर्वर, मतलब ये जो एप्लीकेशन जो काम करता है हम लोगों के मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे, इसका सारे डेटा कहीं ना कहीं एक सिस्टम पे जमा हुआ रहता है। अगर आप मान ले कि एक ई कॉमर्स वाला साइट बनाना चाहते हैं या टूरिज्म वाला साइट बनाना चाहते हैं या कुछ एडवर्टाइजमेंट पोर्टल बनाना चाहते हैं, तो ये सारे पोर्टल, ये सारा जो एडवर्टाइजमेंट जो साइट है, इस साइट का मेन जो पार्ट है ये है डेटाबेस। क्योंकि अगर आपके साइट के साथ डेटाबेस अगर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, डेटाबेस अगर नहीं रहेगा, तो आपका जो काम है वो दिखेगा ही नहीं, किसी के साथ आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास डेटाबेस नहीं होगा। तो आपको डेटाबेस आपके वेबसाइट में रहना ही चाहिए। तो वेबसाइट में जब डेटाबेस रहेगा, मतलब आपका जो सर्वर साइट में जो डेटाबेस रहेगा, उस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए आपका जो फ्रंट एंड पार्ट है, जहाँ पे HTML, CSS, JavaScript जो काम कर रहा है, Bootstrap जो काम कर रहा है, Angular जो काम कर रहा है आपके फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, उस फ्रंट एंड डेवलपमेंट के साथ आपका सर्वर साइट में लिंक करने के लिए आपको कोई भी सर्वर साइट लैंग्वेज की जानने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि PHP हो सकता है, Python हो सकता है, C# हो सकता है, JavaScript हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। बट मैंने यहाँ पे क्या बोला, फुल स्टैक डेवलपमेंट। फुल स्टैक डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए आपको सर्वर साइट में सिर्फ JavaScript, Node.js, Express.js यही जानना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं। फुल स्टैक डेवलपमेंट में बेसिकली सर्वर साइट के लिए भी जो सर्वर साइट लैंग्वेज होता है, जैसे कि PHP होता है, Python होता है या C# होता है, Java होता है, तो ये सारे लैंग्वेज क्या करता है, एक सेंट्रल प्रोसेस में, मतलब जहाँ पे सर्वर होता है, सर्वर का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को मैनेज करते हैं डेटाबेस से डेटा लेने के लिए और डेटा डालने के लिए। तो डेटा जब कॉल करते हैं, मतलब जब यूज़र एक पेज ओपन करता है आपके साइट का नाम देके आपके ब्राउज़र में, तब क्या होता है, डेटा कॉल कर रहा है यूज़र थ्रू डिज़ाइन। तो वो जो डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन बनता है HTML, CSS, JavaScript से, और उसका जो डेकोरेशंस होता है वो एंगुलर से बनता है, और उसका जो कम्युनिकेशंस जो है उसमें जो भी एप्लीकेशंस का जो डिज़ाइन इंटरेक्शंस देखते हैं वो jQuery से होता है। तो ये सारा पार्ट JavaScript से ही बनता है। तो ये JavaScript यहाँ पे रहने के बाद, अगर आपको सर्वर साइट में भी अगर एक ही लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज पैटर्न का जो फॉर्मेशंस है
उसको अगर यूज़ करके आप सर्वर साइड पे भी सेम प्रोग्राम कर सकते हैं, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पहले से आप काम कर रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट का अगर सर्वर साइड में भी काम करना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड में काम करने के लिए वहाँ पे नोड जेएस यूज़ करना पड़ता है और सर्वर साइड का एक फ्रेमवर्क यूज़ करना पड़ता है जो कि वेब एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करता है। उस फ्रेमवर्क का नाम है एक्सप्रेस जेएस। एक्सप्रेस जेएस क्या होता है, एक सर्वर साइड माइक्रो फ्रेमवर्क है जो कि सर्वर साइड के साथ डेटाबेस का इंटरेक्ट करता है, डेटाबेस का कनेक्ट करता है। तो ये जो डेटाबेस होता है, ये डेटाबेस के साथ अगर आपका फ्रंट एंड में अगर सर्वर के साथ अगर आपका जो फ्रंट एंड वाला पार्ट है उसको अगर इम्पैक्ट कर देते हैं, उसके साथ अगर एक साथ में मिला के ये काम करते हैं, तो डेफिनेटली क्या होता है, आपका जो एप्लीकेशंस होता है वो एप्लीकेशंस बढ़िया इंटरेक्ट करता है। तो ये जो इंटरेक्शंस प्रोसीड्योर है, इस इंटरेक्शंस प्रोसेस को फुल तरह से काम करने के लिए एक नेम को मतलब एक नाम है जहाँ पे चारों सॉल्यूशंस एक साथ में मिलाया जाता है। चार सॉल्यूशन मतलब जहाँ पे डेटाबेस रहेगा, सर्वर साइड फ्रेमवर्क रहेगा, जहाँ पे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क रहेगा और एक कंपाइलर रहेगा। इस चारों कंपाइलर को एक साथ मिला के जो चीज़ बनता है उसका नाम है मीन स्टैक, मतलब मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, एंगुलर एंड नोड। मोंगोडीबी वैसे मैं मीन स्टैक के बारे में पहले भी एक वीडियो में बता चुका था। तो इसमें क्या है, मोंगोडीबी जो है ये बेसिकली एक डेटाबेस है जिस डेटाबेस के अंदर हम लोग सारे डेटा जो कि एक्चुअली हम लोग का वेबसाइट का मेन कंटेंट है वो रह सकता है डेटाबेस के अंदर। और डेटाबेस में बहुत तरह का डेटाबेस होता है, बट एज ए टेक्निकल पॉइंट मोंगोडीबी जो है वो एक्चुअली नोएसक्यूएल डेटाबेस है और माईएसक्यूएल जो है वो एसक्यूएल डेटाबेस है। नोएसक्यूएल और एसक्यूएल क्या है इसके बारे में शायद चार्ट देखें मैं बाद में किसी वीडियो में बात करने वाला होगा, बट इस वीडियो में एसक्यूएल नोएसक्यूएल के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बट अभी जो है नेक्स्ट वाला जो पार्ट है एक्सप्रेस जेएस। एक्सप्रेस जेएस बेसिकली क्या है, एक्सप्रेस जेएस में आपको जो चीज़ देखने में मिलेगा ये है एक्चुअली वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क जो जावास्क्रिप्ट से बनता है। जावास्क्रिप्ट में अगर आप पीएचपी में काम करते हैं या जावा में काम करते हैं या किसी दूसरे लैंग्वेज को यूज़ करके करते हैं तो वहाँ पे एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ता है जिस फ्रेमवर्क से आप आपका जो फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि यहाँ पे अगर आपका फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट होता है तो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क जो माइक्रो फ्रेमवर्क है उसका नाम है एक्सप्रेस जेएस, जो आपको वेब एप्लीकेशन बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। उसमें क्या होता है, आपका जो एप्लीकेशन जो बनता है वो एप्लीकेशन बहुत ईजीली बन जाता है सर्वर साइड के लिए। तो ये जो सर्वर साइड प्रोसेस है इस सर्वर साइड को इंटरेक्ट करते हैं एज ए एपीआई। एपीआई मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ एपीआई क्या है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि एपीआई क्या है। तो एपीआई को इम्प्लीमेंट करके हम लोग फ्रंट एंड में जो एंगुलर का जो डिज़ाइन लेआउट जो है उसमें हम लोग डेटा डाल देते हैं एपीआई थ्रू। तो एपीआई थ्रू जब हम लोग डेटा उसमें डाल देते तब क्या होता है, आपके पास डिज़ाइन आ जाता है जो कि आपके डेस्कटॉप में दिखाई देता है, जो आपके मोबाइल में दिखाई देता है। ये सारे चीज़ देखने के बाद इस जो एप्लीकेशन आपका बन गया है, इस एप्लीकेशन को आपका तो सर्वर में होस्ट करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप सर्वर में नहीं डालेंगे तो आपको कैसे आपका वेबसाइट दूसरों को दिखाई देगा। तो जब आप ये सर्वर में डालने जाएंगे तो आपके पास सर्वर साइड का भी अगर नॉलेज नहीं हो तो आप सर्वर को सेटअप ही नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से आपको सर्वर साइड का भी नॉलेज होना चाहिए और जिसके लिए आपको लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा बहुत जानने की ज़रूरत पड़ेगा। अगर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस आपके पास नॉलेज है थोड़ा बहुत तो जाके आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। तो बेसिकली क्या है, आपको डेटाबेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपके डिज़ाइन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपके डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपके सर्वर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके पूरा चीज़ अगर जब जानते हैं तभी जाके आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। तो मेरा यही था पूरा प्रोसेस, लगता है शायद आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और घंटी वाला जो आइकन है ना वो भी दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह ही वीडियो मेरे हर एक वीडियो के साथ आते रहेगा।